हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे टैक्स प्रोफेशनल दोस्तों, मैं आपके साथ में एक आज नई बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि यूपी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। यूपी कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड ऑनवर्ड्स के लिए नोटिस इस असेसमेंट नोटिस जारी की है, जिसमें वो आपका असेसमेंट करा रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डीलर का। ठीक है, जो पेट्रोल डीलर हैं, सीएनजी डीजल पेट्रोल वाले, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इन लोगों ने अपना फाइनेंशियल ईयर 17-18 जब अपना जीएसटी आया था, एक जुलाई 2017 से, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना बैट छोड़ दिया था। बैट सेंसिल बैट से माइग्रेट जीएसटी में करा लिया था, जीएसटी कंप्लाइंस, जीएसटी की फाइलिंग करनी चालू कर दी थी और बैट को छोड़ दिया था। यहाँ से इन्होंने बैट की कंप्लाइंसेस करनी, जो कि बहुत ही गलत था। और इसको मैं अपने जो एसोसिएटेड टैक्स प्रोफेशनल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अकाउंटेंट्स लोग हैं, और जो मेरे कनेक्शन में जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वगैरह हैं, मैं उनसे ये चीज़ डिस्कस करता रहता था कि ये चीज़ बहुत गलत हो रही है, कि क्योंकि जो अपना पेट्रोल डीजल है ये नॉन जीएसटी आइटम है, और जो सेक्शन 23 है, जो आपकी सीजीएसटी एक्ट की, वो यहाँ पर कहती है कि आपको अगर आप केवल एक्सक्लूसिवली नॉन जीएसटी आइटम में आप डील कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर आपका जीएसटी लगता है, लाइक लुब्रिकेंट ऑयल हो गया या कुछ और भी हो सकते हैं पेट्रोल प्रोडक्ट, जो जो जीएसटी के दायरे में है और बैठ नहीं आता। तो वहाँ पर क्या था आपको, कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते भी थे, तो आपको जो नॉन जीएसटी था, जैसे पेट्रोल डीजल, आपको नॉन जीएसटी में जस्ट रिपोर्ट करना था सेल्स में और सेल्स परचेज में, और बाकी का जो जीएसटी था उस पर प्रॉपर करना था। यानी कि जीएसटी भी ऑल दो कर सकते थे, जो उस आइटम में डील कर रहे हैं जो जहाँ पर उनका जीएसटी बनता है, तो आप जीएसटी ले सकते थे। और बाकी जो के लोग एक्सक्लूसिवली नॉन जीएसटी आइटम में डील कर रहे थे, तो वहाँ पर उनके लिए वॉलंटरी जीएसटी कंप्लायंस, आप जीएसटी में रजिस्टर लो और नो नहीं लो, डज नॉट मैटर, डिपार्टमेंट भी आपको यहाँ फोर्स नहीं करता। लेकिन अगर आप कुछ आपका कंपोनेंट ऐसा है जिसमें आपको जीएसटी लगता है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना ही है जीएसटी का, अगर आपका टर्नओवर क्राइटेरिया एक्सीड कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है। तो अब दिक्कत यहाँ पर उन डीलर को हो गई जो नॉन जीएसटी आइटम में डील कर रहे थे और वैट की कंप्लेंसेस करनी बंद कर दी उन्होंने। देखो, यहाँ पर वैट की कंप्लेंस आपको करनी पड़ेगी, आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आप जीएसटी आ गया, वैट बंद हो गया, क्योंकि देखो जो नॉन जीएसटी आइटम है वो जीएसटी के दायरे में नहीं है। आज भी वो वैट के दायरे में है, वैट आपको पे करना है, आपको वैट की रिटर्न भरनी थी, वैट की जो भी ऑडिट से रिलेटेड कंप्लेंसेस थी वो करनी थी, वैट का टैक्स पेमेंट करना था, वैट की जो रिटर्न थी, एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली रिटर्न, जो भी थी, मेरे को इसका ज़्यादा आइडिया नहीं वैट से रिलेटेड, क्योंकि मैंने यहाँ टैक्स प्रोफेशनल्स हूँ, मैंने जीएसटी में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, तो ये सारी कंप्लेंसेस करनी थी। अब ये आ रही है इश्यू, और काफ़ी लोगों को, खासकर उनके टैक्स प्रोफेशनल से, इस तरह का लैक ऑफ अवेयरनेस के बारे में उनको कंसल्ट नहीं किया इस तरह से, तो मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है उन लोगों को। और ये आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि जीएसटी आ गया सर, बॉस की बैट नहीं है अब, तो हम इसलिए हमने नहीं किया, आपको लीगल कंप्लेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बैट के दायरे में, आपके ये नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है लाइक पेट्रोल डीजल, ये आज भी बैट के दायरे में है, जीएसटी में नहीं है, इसलिए आपको बैट की कंप्लेंस करनी पड़ेगी, बैट की टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी, बैट की रिटर्न करनी पड़ेगी। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए अच्छे से, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।